कोलारस थाना क्षेत्र में बीती रात 11 बजे मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में करीब 4 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार गोरा टीला पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। रोज की तरह पुल निर्माण में कार्य करने मजदूर पिकअप वाहन से जा रहे थे। जैसे ही वाहन घोरा के पास पहुंचा तो वह अनियंत्रित हो गया और पलट गया। वाहन के पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं मौके से निकल रहे लोगों ने बचाव कार्य किया और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए शिवपुर अस्पताल में भर्ती कराया। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। तरफ जा रहे थे कोई सड़क निर्माण कार्य के लिए, तो इनकी पिकअप वाहन जो पलट गई थी उसमें काफ़ी सवारी बैठे थे। ये लोग उनमें से जो है सर, कैरी ऑन सर। पहले तो क्या है, 3 लोग आए थे, डेड होके 3 लोग आए थे। उसके बाद में यहाँ एक इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई चौथे की। और इसके अलावा घायल कितने हैं? घायल जो हैं 15 के करीब हैं। और कोई ग्वालियर भी रेफर किए? ग्वालियर 2 रिपर हुए हैं ग्वालियर के लिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है सब उधर पश्चिम बंगाल तरफ के रहने वाले हैं। ये अपने शिवपुरी से ही जा रहे थे। ये गोरा टीला कोई निर्माण पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, उधर जा रहे थे। हाँ मजदूरी थे ये सब। इसमें महिलाएं वगैरह के? महिला वगैरह कोई नहीं थे। नाम है आपका? जी सैदुल आलम है। ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे हुआ? ये तो जगह का मालूम नहीं है सर, लेकिन यहाँ से मतलब हम लोग जो आए थे ना, जो किशनगंज से ट्रेन से आए हैं। किशनगंज कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। वहाँ से आ रहे थे आप? जी। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे इधर पुल पे काम करने के लिए, ब्रिज पे, ओवर ब्रिज जो सड़क के ऊपर होता है ना, ओवर ब्रिज, वो काम करने के लिए। कितने लोग सवार थे? 19। जी। तो कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? बस मान लीजिए कि अचानक ही हुआ है, मतलब जा रहे थे जाते जाते वो मतलब खड्डा गिर गया और अचानक कुछ जैसे कि लाल गाय या गाय कोई भी आ गया हो तो अचानक मतलब उसको बचाने के लिए खड्डे में कटाया, थोड़ा स्ट्रिंग किया इधर और गिर गया खड्डे में और पलट गया। कितने लोग इसमें घायल हैं? जी घायल तो सभी को मान लेना चाहिए क्योंकि सब घायल हो गया है, कोई ज़्यादा हुआ है तो कोई कम हुआ है। कितने की मौत हो चुकी है अभी तक? हम तो डेड बॉडी नहीं देखे हैं, लेकिन खबर आ रहा है, हम लोग आदमी बोल रहे हैं कि 4 बजे ख़त्म हुआ ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।